वेलकम बैक टू द शो यूके इमिग्रेशन विद तारिक. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा और ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. पहले मैं सवाल रिपीट कर दूं क्योंकि सारों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि जी हमने असाइलम किया था, रिफ्यूज़ हो गया, केस चलता रहा, हमारा बच्चा भी इधर हुआ और अब बच्चे की उम्र 7 साल हो गई है, बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं और हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम कहाँ से किसी भी डॉक्टर से रिपोर्ट लगवाएं और लॉयर से भी पूछ रही हैं तो वो भी उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने उनसे फिर पूछा कि बच्चे की अगर केयर हो रही है तो सोशल वर्कर वाले आ रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा यस. अब आ जाएं इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर. जो कानून है वो ये है कि अगर बच्चे को 7 साल हो जाते हैं तो आपने ये प्रूव करना है कि वाई इट वुड बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक टू यूनाइटेड किंगडम, गो बैक टू द होम कंट्री, यानी कि अनरीजनेबल है यूनाइटेड किंगडम से बाहर जाना, और इसके ऊपर सारा केस आता है. तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, मैं लोगों से कहता हूँ, 1, 2, 3. इंटरेस्टिंगली आपके लिए कि आखिरी चीज़ होती है जो बच्चे ऑलरेडी सोशल सर्विस से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि यू आर ऑलरेडी देयर. आपको पहली दो चीज़ें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाकी लोगों के लिए. तो आपने सिर्फ इतना सा करना है कि अपने सोशल वर्कर के पास जाएं, जब आपके बच्चे की ट्रीटमेंट हो रही है तो रेगुलर इंटरवल्स पे उनकी असेसमेंट होती है बच्चे की. असेसमेंट की देखें कि उनका केयर प्लान क्या है, पहली बात. फिर उनसे मशवरा करें बैठ के कि क्या ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं. अगर वो कहते हैं यस, उस पर रिसर्च करें कि उसकी कॉस्ट क्या है, और फिर देखें कि क्या आप वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर भी सकती हैं या नहीं. बिकॉज देखें, इधर आपको केयर बच्चे के लिए सोशल वर्कर आते हैं, पाकिस्तान में आपने प्राइवेटली देना है, क्या पता फैमिली मेम्बर भी आपकी हेल्प ना करें. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं. बट जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, वो सोशल वर्कर जो ऑलरेडी बच्चे को देखने आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट इस्तेमाल करें, स्पेशली आपके केस में, बिकॉज यू ऑलरेडी एट पार्ट नंबर 3. अब पहले दो की एग्जाम्पल दे देता हूँ. कुछ लोगों का इतना आगे तक बात नहीं गई होती कि सोशल सर्विस वाले आके बच्चे को ऑलरेडी देख रहे हैं, तो उनको हम 2 ऑप्शंस देते हैं. पहली ऑप्शन कि एक इंटरनेट पे जाएं, आपके अगर लॉयर नहीं आपकी हेल्प करना चाहता खुद चले जाएं, इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. अभी जाएं गूगल करें, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी. उसमें डॉक्टर्स एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर रिपोर्टें दे सकते हैं. सिर्फ मैं आपको अभी ये बता दूं क्योंकि हम कभी कभी यूज़ करते हैं, प्लीज़ मेरे जो मैं आपको कॉस्ट एस्टिमेट देने लगा हूँ उसको कोट ना कीजिए, बट रफली डिपेंडिंग कितना क्वालिफाइड कोई बंदा है, 2 से 3 हज़ार पाउंड की वो रिपोर्ट बना के देते हैं सर्कमस्टांस के ऊपर. जो भी आप उनको इंस्ट्रक्शन दें कि जी ये इशू है बच्चे के साथ, हम जाके नहीं रह सकते, तो वो प्रॉपर कंट्री के हिसाब से वो रिपोर्ट तैयार करके देते हैं एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान जाके, डिपेंडिंग ऑन, वो बड़ी लंबी लिस्ट है, आप उसमें से बड़ा आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है जो बताएं कि अच्छा जी आप इस सब कैटेगरी में जाके इस टाइप का बंदा सेलेक्ट कर लें. बट कहने का मतलब कि वो आपको लिस्ट है, उसमें हज़ारों लोग, हज़ारों तो नहीं, काफ़ी नंबर ऑफ पीपल आते हैं. एक और सेकेंड ऑप्शन होती है जो कहते हैं जी हम 2,000-2,500 साइकोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होता है उसके ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते. वो लोग सोशल वर्कर भी मिल जाते हैं आपको जो स्पेशलाइज करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, उनकी रिपोर्टें तकरीबन 800 से 1,200-1,500 पाउंड के बीच में बनती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. तो या आप क्वालिफाइड डॉक्टर को यूज़ करें या क्वालिफाइड सोशल वर्कर को यूज़ करें जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है बच्चों के साथ, यू कैन यूज़ देयर रिपोर्ट्स. लेकिन आपके केस में तो आपको इन दो की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी विद NHS सोशल केयर सिस्टम के अंदर, तो आपको वो रिपोर्टों की ज़रूरत है. अगेन आप मेरी बात समझ गई होंगी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम भाई, तारिक साहब बहुत शुक्रिया जी. आपसे क्वेश्चन करना है कि मेरे बेटे ने अपनी वाइफ के लिए और वीज़ा अप्लाई किया 2 जून को जी. और जो रिक्वायरमेंट भी थी वो भी पूरी की, और वो कहते हैं कि आपका फीस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं. तो अभी तक उन्होंने यही कहा है कि जी हम आपकी हम इस पे काम कर रहे हैं जी. MP का लेटर भी अभी रिसेंटली हमने जी कहा है लास्ट वीक, तो ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, आपके एक्सटेंशन अप्लाई किया वाइफ पाकिस्तान में? बड़ी मेहरबानी आपको. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो यहाँ के एक्सटेंशन एप्लीकेशन है वो 6 से 9 महीने लगा रहे हैं. एंट्री क्लियरेंस में जून से अभी हम बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट
छठा महीने होने को आया तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए एंट्री क्लियरेंस में. तो मुझे नहीं पता, वो शायद उनकी थोड़ी फाइल अभी किसी के आगे नहीं आई, बिकॉज कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करते उसमें इतना टाइम लगे. तो इसलिए मैंने पूछा था कि एंट्री क्लियरेंस है या लीव टू रिमेन एप्लीकेशन है. तो अगर एंट्री क्लियरेंस है यानी कि बच्ची वो अभी भी पाकिस्तान इंडिया में जहाँ भी हैं उधर हैं, तो 6 महीने थोड़ा एक्सेसिव टाइम हो गया. आई होप MP के लेटर से थोड़ी हलचल हो, वरना आप अपने बेटे को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो इंटरनेट से सर्च करे, डिपेंडिंग आपने कौन से FCO में वो एप्लीकेशन डाली है, उसका रेफरेंस नंबर आपके पास है, आप उनको भी ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली कि जी इतने ऐसे ऐसे केस डाला हुआ है, कोई अपडेट दें, बिकॉज मैं इसी तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ. तो आई होप उससे कोई हलचल हो जाए. विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो जी, तारिक साहब. वालेकुम अस्सलाम भाई जी. तारिक साहब, मैंने आपसे लास्ट वीक मेरी आपसे बात हुई थी, अहमद बात कर रहा हूँ. मैंने आपको बताया था मेरा वीज़ा हो गया था. मुबारक तो मैं भी खैर मुबारक सर, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली सर, मैं अपने दोस्त के बिहाफ पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो अभी बेचारा जॉब करता है. उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगा आपके लिए. जी जी. तो मसला ये था तारिक भाई, उसने ना 2014 के लास्ट में ना अपना केस डाला था ना, उसने यहाँ पे इंग्लिश मैरिज भी किया, लड़की यूरोपियन है. जी. तो क्या नाम है उसका, उसका वीजा जो था ना, उन्होंने जब इंटरव्यू कॉल लेटर भेजा तो इसने मिस कर दिया. ठीक है. तो उन्होंने इसका वीजा जो था ना वो मतलब नहीं दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और अपील का चांस दे दिया. और इसके लॉयर ने क्या कि इसने अपील का चांस जो था इसको छोड़ के इसने फ्रेश केस दोबारा डाल दिया. और सेकंड टाइम उन्होंने जब फिर इंटरव्यू कॉल की तो लड़की यहाँ पे नहीं थी, वो अपनी वापस कंट्री में थी. तो उन्होंने केस उठा के फिर वापस भेज दिया. उन्होंने कहा कोर्ट में जाओ, उन्होंने कोर्ट में भेज दिया केस. मेरा सवाल आपसे तारिक भाई ये है कि उसके कितने चांसेस हैं, और मतलब उसका भी कोर्ट को 6 महीने हो गए मेरे ख्याल उसने भेजा हुआ केस दोबारा से. 2 साल से वो बेचारा लगा हुआ है इस चीज पे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा उससे कुछ. तो 2 दफा उसने इंटरव्यू मिस कर दिया है. तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया, उन्होंने कहा हम सेटिस्फाई नहीं आपकी शादी से, तो इस वजह से उन्होंने लेटर दिया और कोर्ट में भेज दिया केस. तो प्लीज काइंडली अगर मुझे आप इस थोड़ा सा गाइड कर दें. बड़ी मेहरबानी. देखें, थैंक यू. देखिए, एक कोताही आपके फ्रेंड की भी है कि अगर वो इंटरव्यू पे चला जाता तो मसला नहीं होता. सेकंड टाइम वाइफ इधर नहीं थी तो बता देते कि जी जब वाइफ इज़, बिकॉज जब वो इंटरव्यू आपको, पहला वाला तो चलो थोड़ा सा लॉयर से गलती होगी, उन्होंने आपको बताया नहीं तो उसको मैं ख़त्म करता हूँ. सेकेंड बारी में ये नहीं होता अगर वो इंटरव्यू पर बुलाएं, अगर आप उनको बता दें कि वाइफ अभी नहीं है, क्योंकि वो आपसे जब इंटरव्यू की कन्फर्मेशन भेजते हैं ना, एक शीट भी साथ भेजते हैं कि कन्फर्म करो आप आओगे या नहीं आओगे. अगर आप उसमें बोल दें कि अभी मेरी वाइफ UK में नहीं है, छुट्टियों पर गई है, गुजारी बात अगर यहाँ काम करती है तो छुट्टियाँ 1-2 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं होंगी, तो जब वो छुट्टी से वापस आएगी हम आ जाएंगे, तो वो आराम से इंटरव्यू आगे कर देते हैं. तो मुझे नहीं पता आपने वो हरकत क्यों नहीं की, बट हो गया, डजंट मैटर. अभी आगे आपको, अगर मेरे आगे वो बैठा होता तो मैं कहता भाई अगर अपील करोगे तो इस वक्त ट्राइब्यूनल अगेन सुन लें गौर से, 16 से 19 महीने लगा रहा है अपील को लिस्ट करने में. यानी कि अगर कोई बंदा जनवरी 2016 में अप्लाई करता है अपील, तो ट्राइब्यूनल इस वक्त मार्च 2017 में जाके कहीं या उससे आगे जाके उसको डेट देगा, इतना बिजी है ट्राइब्यूनल. तो यहाँ तो ये बात क्लियर हो गई. दूसरा, मैं उसको कहता कि अच्छा फिर नई एप्लीकेशन, कोई नई एप्लीकेशन बार बार डालने में तो कोई ममानत नहीं है, आप फिर दोबारा नई एप्लीकेशन डाल लो, बट इस दफ़ा प्लीज़ मेक श्योर कि जब वो इंटरव्यू पे बुलाएं आप जाओ, बिकॉज इंटरव्यू पे बुलाए बगैर या आपके घर विजिट के बगैर तो अब वो आपको वीज़ा देंगे नहीं. तो वो फिर मैं बंदे को कहता कि यार आप दोनों देख लो, कि या तो फिर 1.5 साल वेट करो और अपील कर लो कोर्ट में, या नई एप्लीकेशन डालते हैं 6-7 महीने में पता चल जाएगा कि किधर आप बैठे हुए. और अगर वो फिर रिफ्यूज़ करें, फिर इतनी एप्लीकेशनें बार बार करने से बेहतर है एक दफ़ा कम से कम इंटरव्यू हो जाए, फिर आप कोर्ट में ही जाओ, तो फिर 2.5 साल और लगेंगे. तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस वक्त टाइम फ्रेम कोर्ट का इस तरह चल रहा है. और टू बी ऑनेस्ट, कोर्ट इतने बिजी हैं, तभी तो ये सेक्शन 63 आया है दिसंबर के बाद के आपको ह्यूमन राइट पर भी अपील नहीं दे रहे. उससे पहले उन्होंने स्टूडेंट पे अपीलें, PBS पे सारी अपीलें ख़त्म की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया, फिर उससे पहले उन्होंने विजिट वीज़ों पे अपीलें ख़त्म की, क्योंकि कोर्ट पे प्रेशर बहुत है. बट आई विश यू द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ. मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ पे 2012 में जी, और हमने 2014 में मैंने उनका वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए भेजा था जी. तो वो रिफ्यूज़ उन्होंने कर दिया था. फिर हमारा इंटरव्यू करने के लिए उन्होंने बुलाया, फिर हम दोनों गए. तो इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन हमारे आगे पीछे थे, जिस वजह से उन्होंने दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया था जी. फिर हमारा कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत गए थे और इमिग्रेशन का वकील कोर्ट में नहीं आया था जी. और कोर्ट में जज ने हमारे हक में फैसला किया था. तो हमारा लॉयर कह रहा था कि 2-3 वीक के बाद फैसला इमिग्रेशन वाले हमें जवाब दे देंगे जी. पर इमिग्रेशन वालों ने 1 महीने के बाद फिर दोबारा मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू के लिए बुलाया,
पर वहाँ पे इंटरप्रेटर नहीं था तो मेरा हस्बैंड वहाँ पे वो नहीं कर सके, इंटरव्यू नहीं दे सके. तो उसके बाद उन्होंने ना तो कोई जवाब दिया ना कोई कह रहे हैं ना कोई मसला बता रहे हैं क्यों उन्होंने किया, क्योंकि कोर्ट ने तो हमारे हक में फैसला दिया था. और हमारे लॉयर को भी अभी कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने मेरे हमारे लॉयर ने भी उन्हें दो तीन लेटर लिखे पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे. तो आप प्लीज बताएंगे कि क्यों ऐसा करें. ऑलराइट, बड़ी मेहरबानी. मैं देखें आपको ये तो नहीं बता सकता कि वो क्यों इस तरह कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपका पूरा केस नहीं पढ़ा. अलबत्ता मैं आपको तीन बातें कह सकता हूँ करने के लिए. एक तो ये कि अपने लोकल एमपी के पास जाएं, एमपी के थ्रू प्रेशर डलवाएं.